नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रणय प्रेम। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सामाजिक संस्था नमन इंडिया ने पांडरपाला गौसिया मस्जिद के पास आज 200 जरूरतमंद परिवारों के बीच ब्रेड, चूड़ा, गुड़ किट बनाकर वितरण किया। लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही संस्था जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है। इस काम में संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अख्तर उर्फ पारो खान के अलावे सचिव निसार अहमद के साथ साथ काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई पड़े। शुक्रिया। नमन इंडिया नामक संस्था के सचिव निसार अहमद ने कहा कि लॉकडाउन तक जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर राशन मुहैया कराने के लिए संस्था प्रयास करती रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और घर में रहें, यही बात कोरोना को मात दे सकती है। उन्होंने इस कार्य के लिए अंजुम परवेज, ग्यास खान, बबलू फरी, जहीरुल खान, सालो खान, मोहम्मद मिराज, तौकीर खान उर्फ पोपट, गुड्डू मुंशी आदि ने किट वितरण में सहयोग किया। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। आइए सुनते हैं नमन इंडिया के सचिव निसार अहमद ने केसीएन टीवी से बातचीत करते हुए लोगों से क्या अपील की। लॉकडाउन के बाद से ही संस्था जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करके राशन मुहैया करा रही है जिनके पास एक वक्त खाने के लिए अनाज नहीं है। और जब तक लॉकडाउन की स्थिति है, हम उम्मीद करते हैं कि दिहाड़ी मजदूर हो या कोई भी कमज़ोर तबका, वो भूखों नहीं मरेगा। बस यही बात कहना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आप।